आप से अच्छा बोलो, अपने आप को समझाओ, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि नो वन कैन मेक मी एंग्री बिकॉज आई एम नॉट गिवन परमिशन टू एनी वन फॉर द सेम। कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता क्योंकि मैंने यह परमिशन किसी को दी नहीं है। वैसे ही कोई मुझे मेरा हैप्पीनेस छीन नहीं ले सकता क्योंकि वो परमिशन मैंने किसी को दी नहीं है। कोई मुझे गुस्सा दिला नहीं सकता, कोई मेरा हैप्पीनेस छीन नहीं ले सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो परमिशन किसी को दी नहीं है। क्या है कि यह सब जो होता है, दुखी होना, गुस्सा आना, अपसेट होना, ये सब हमारी रिएक्शन है जो बाहर हो रहा है उससे, जो सिचुएशन में हो रहा है, जो लोग हमारे आसपास में हैं उनके प्रति हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, उनके प्रति हमारा कुछ विचार रहता है, कुछ उद्देश्य रहता है और वो पूरा होता नहीं है, अपेक्षा पूरी होती नहीं है, तो क्या होता है, एकदम हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कौन सी मात्रा में करते, किस तरह से करते, एक तो गुस्सा करेंगे, एक तो चिल्लाएंगे, एक तो दुखी हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ठीक नहीं लगेगा, रेस्टलेसनेस, भय, चिंता, इस तरह का हमारा बर्ताव हो जाएगा फिर, और हम दुखी हो जाएंगे। देखिए, एक आधा बच्चा रो रहा है तो हम उसको बोलेंगे बेटा रो मत, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ में हूं, रोने का नहीं, क्या होगा, उसको समझाएंगे। क्या अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, अपना जो अंतर्मन है, वो रो रहा है, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, क्या हम उसको समझा सकते हैं क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अंतर्मन को समझा सकते हैं जो रिएक्ट कर रहा है। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दुख लग रहा है, मैं क्या करता हूं, मैं किसी को पकड़ता हूं, किसी को फोन करता हूं और उसको मेरी दर्द भरी दास्तानें सुनाता हूं। अभी देखो, वो यदि अच्छा है, सुनने वाला है, तो बोलता हाँ हाँ बराबर है, ठीक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ में हाँ मिलाएगा, हाँ जी हाँ जी करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इससे मेरा दुख कम हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, मगर उसमें कुछ नहीं होता। यदि मैंने ऐसे आदमी को फोन किया कि जो बोलता है कुछ नहीं, चिंता मत कर, ऐसा चलते रहता है, डोंट वरी, उसको फिकर, मतलब फिकर मत कर, चिंता नहीं करना, ऐसा कुछ, तो ऐसे ही करते रहता, चल फट जा, चुप रहा, ऐसा किसने बोल दिया तो मेरा रॉन्ग नंबर लग गया, ऐसा मुझे लगता है, वो रॉन्ग नंबर है मेरे लिए, वो मैंने डायल किया, वो आदमी ठीक नहीं था, मैंने गलत आदमी को फोन किया, तो मैं पहले सोचता हूँ किसको फोन करना है, किसको फोन करके बोलने का है, और जो मेरा सुनने वाला है उसको मैं बोलता हूँ। तो क्या हम अपने आप को बोल सकते हैं, अपने आप को, अपने आप से बात कर सकते हैं कि भाई तू रिएक्ट कर रहा है, वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है उसको रिएक्शन है, तो रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट हम कैसा करते हैं, इमोशन से, हमारे बिहेवियर से, थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, वो थॉट जो ऑटोमेटिक आते हैं, कुछ होता है ऑटोमेटिक थॉट पैदा होते हैं, ऑटोमेटिक थॉट पैदा हो गया, ऑटोमेटिक इमोशंस आते हैं, वो सब पूरी रिएक्शन है। तो मैंने मेरे मन को समझाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को समझाना चाहिए, अंतर्मन को समझाना चाहिए कि भाई तू रिएक्ट कर रहा है, शांत रहे, ये तेरी रिएक्शन है, ये मूलतः मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, तुमने ये ऐसा ऐसा हो गया इसलिए उसको रिएक्ट किया है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रेस्पॉन्ड करना है या एक्ट करने का है। रेस्पॉन्स देना ठीक है, रिएक्ट करना ठीक नहीं है। तो मैंने अपने आप को यदि मैं समझाता हूं तो मैं तुरंत शांत हो सकता हूं। इसलिए हम लोगों को सेल्फ अफर्मेशन सिखाते हैं, सेल्फ हिप्नोथेरेपी सिखाते हैं, जिससे अपना सबकॉन्शियस माइंड शांत रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, ना रिएक्टिवेशन में जाएगा, वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से यदि होता है कि मैं अपने आप को समझाता हूं, अपने आप को कंट्रोल में लाता हूं, अपने आप को ये एहसास दिलाता हूं कि मेरा ये रिएक्शन है और ये होते ही रहेगा, तो तुरंत मैं शांत हो सकता हूं। तो अपने आप से अच्छी बात करो, अपने आप को बोलो कि ये मुझे गुस्सा देने वाली सिचुएशन है, मैं शांत हो रहा हूं, मैं खुश रहूंगा, जो भी हो रहा है वो ठीक है, जो भी हुआ वो हुआ, व्हाट नेक्स्ट, अभी इसके बाद में क्या, जो भी हो रहा है वो हो गया है, वो पास में हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है, रादर देन इमोशंस में डूब जाना है और कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं करने का है। तो इस तरह का आप बर्ताव करते हैं तो आप 24 घंटे 24/7
आप खुश रह सकते हैं, आपकी अवस्था जो है मानसिक और शारीरिक अवस्था एकदम स्टेबल रहेंगी, संतुलित बन रहेगा और एक अच्छा लाइफ, खुशियां वाला लाइफ आप जी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर मनोविकास, वह ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप चैटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो लोगों को ये वीडियो शेयर करो। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।